गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। टुडे वी डू डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला आप इन्हों का मीनिंग किया माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स का, अब आप डिफरेंस करना है। डिफरेंस के पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द इंडिविजुअल लैवल ऑफ एन इंडिविजुअल। कहता ए माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक इंडिविजुअल लैवल से स्टडी की जाती है जिन्या भी इकनोमिक प्रॉब्लम्स ने, जिदा एक इंडिविजुअल फर्म है, कोई छोटी फर्म है, उदिया जो प्रॉब्लम्स ने, उदी प्राइस की प्रॉब्लम है, उदी कॉस्ट की प्रॉब्लम है, उदी रॉ मटीरियल की प्रॉब्लम है, वह होगी। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है जां हाउस होल्ड है, उन्होंने प्रॉब्लम्स नू स्टडी किया जाता है। पर दूसरी साइड मैक्रो इकोनॉमिक्स के होल इकोनमी की स्टडी की जाती है, पूरे इकोनमी लैवल से, जिदा पॉवर्टी की प्रॉब्लम होगी, अनइम्पलॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी, ये चीज़ों की स्टडी की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न विद द डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्राइस या आउटपुट की डिटरमिनेशन की जाती है कि कितना उत्पादन करना या कितनी कीमत का निर्धारण करना, वो एक इंडस्ट्री का देखा जाए कि एक इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट की प्राइस कितनी तय करेगी और कितना उसकी कितनी क्वांटिटी च प्रोडक्शन करेगी। इदां ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के देखा जाता है एग्रीगेट लैवल से कि जिन्या भी सारिया फर्म्स ने पूरी इकोनमी के जिन्या टोटल इंडस्ट्रीज ने उन्हां वल्लों टोटल कितना उत्पादन किया जाऊगा तो कितनी कीमत तय की जाऊगी। माइक्रो इकोनॉमिक एज्यूम दैट मैक्रो वेरीएबल्स रिमेन कॉन्सटेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो अजम्पशंस ने उन्होंने वेरीएबल रखा जाता है जिहड़ियां कि जां उन्होंने कॉन्सटेंट रखा जाता जिहड़ियां मैक्रो दे विच वेरीएबल हुंदियां ने। जिदा मैक्रो दे विच हुंदा है कि टैक्नीक नूं चेंज किया जा सकता, बट माइक्रो दे विच ये चीज़ नूं कॉन्सटेंट रखा कि टैक्नीक डजंट चेंज। इदां ही मैक्रो दे विच जो माइक्रो दे विच कॉन्सटेंट हुंदियां ने, जो वेरीएबल हुंदियां ने वो मैक्रो दे विच कॉन्सटेंट होणगे। ठीक है, उल्टा जिदा जो माइक्रो दे विच वो चीज़ा वेरीएबल होणगियां जिहड़ियां मैक्रो च कॉन्सटेंट ने, और इदां ही जो माइक्रो च वेरीएबल ने वो मैक्रो च की होणगियां कॉन्सटेंट होणगियां। इहदे विच जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इहदा सैकंड नेम हैगा प्रोडक्ट प्राइस थ्योरी, इहनूं प्राइस थ्योरी दे नेम नाल वी जाणिया जांदा। और दूसरी इहदे विच क्योंकि गवर्नमेंट मेन रोल प्ले करदी है तो इस करके इहनूं प्रॉब्लम ऑफ अनइम्पलॉयमेंट एंड पॉवर्टी भी किया जाता जां इनकम एंड इम्पलॉयमेंट थ्योरी भी किया जाता है। सम बेसिक कॉन्सैप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दे विच, व्हाट इज़ अ गुड, गुड की है वस्तु, गुड नूं पंजाबी इकोनॉमिक्स दे विच वस्तु किया जाता, इनूं कमोडिटी का नेम भी दिता जाता। गुड नूं कमोडिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, गुड भी वस्तु। ठीक है, अ गुड इज एनीथिंग विच हैज सम इकोनॉमिक वैल्यू एंड इज कैपेबल ऑफ सैटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर ह्यूमन वांट। कहिंदा गुड एक चीज़ है जिहदी इकोनॉमिक वैल्यू हुंदी है, जिहदी कोई प्राइस हुंदी है, ठीक है, जिहदा कोई मुल हुंदा ते उह ह्यूमन दियां मनुख दियां इच्छावां नूं पूरा कर संतुष्ट करन दे विच दे योग हुंदी है। जिदा एग्जाम्पल सैलफोन, स्कूटर, शर्ट, ब्रैड, बुक्स कोई भी ले सकते हो। ये अगे टू टाइप्स ने इन्हां दियां, नैक्सट कंजम्पशन गुड्स और कंजम्पशन गुड्स का सैकंड नेम की है कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुआं केड़ियां हुंदियां ने। कंजम्पशन गुड्स आर द गुड्स दो सैटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स डायरेक्टली। कंजम्पशन गुड्स वो ने जिन्हां नूं कंज्यूमर जिवें ही बाय करता उवें ही उहदे तों सैटिस्फैक्शन अचीव करता। ठीक है, कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स आर यूज बाय कंज्यूमर एज फाइनल गुड्स फॉर सैटिस्फाइंग द वांट। कंज्यूमर वालों जो फाइनल गुड्स के तौर पर वरतियां जांदियां ने उन्हां लई कंज्यूमर गुड हुंदियां ने ते उन्हां दी इच्छावां नूं पूरा करदियां। दीज आर नॉट यूज फॉर फरदर प्रोडक्शन, इन्हां नूं अगे प्रोडक्शन के लिए नहीं यूज किया, इन्हां नूं डायरैक्ट यूज किया जाता। जिदा आप मिल्क बाय किया तो मिल्क नूं टी बनाउण जां डायरैक्ट ड्रिंक करन दे लई यूज किया जाता, इस तों अगे फरदर प्रोडक्शन करन दा काम दे लई यूज नहीं किया जाता। जिदा टीवी, फ्रिज, कार, ब्रैड, मिल्क, चेयर, ये सारिया चीज़ा की ने कंज्यूमर गुड दी एग्जाम्पल ने। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज नॉन एज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो कंजम्पशन गुड्स से जिन्ना ज़्यादा टोटल खर्च किया जाऊगा सारिया गुड्स से जिन्या भी टोटल सारिया गुड्स ने उन्होंने जो खर्च किया जाऊगा वह प्लस न किया जाऊगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड कंज्यूमर सैक्टर फॉर्म्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंड। जिहड़े कंजम्पशन गुड्स से खर्च किया जाता है उहदा सब तो वध कौन खर्च करता, कंजम्पशन गुड्स से हाउस होल्ड सैक्टर खर्च करता है। ठीक है, नैक्सट अदर सैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस एक्सपेंडिचर। होर इहदे कंजम्पशन गुड्स नूं होर कौन कौन खरीदते हैं, एक गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन। जिहड़ी गवर्नमेंट है वह क्यों खरीदती है, जिदा अगे उन्होंने फरदर डिस्ट्रीब्यूट करना हुंदा है पुअर पीपल दे विच तां वह खरीदती है। ठीक है, और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन ने उन्होंने भी जो नीडी हैगे ने परसन उन्हां दी हेल्प के लिए खरीदनिया हुंदियां ने। क्लासीफिकेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन गुड्स दियां फोर टाइप्स ने, ड्यूरेबल गुड्स, सैमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज।
जो ड्यूरेबल गुड्स ने हुंदियां ने मीनस टिकाऊ वस्तुआं केड़ियां ने जिहड़ियां के बहुत ज्यादा जिन्हां दी लाइफ की हुंदी है बहुत ज्यादा लोंग हुंदी है बहुत लंबे समय तक चलदियां ने ते इन्हां नूं बहुत सालां तक यूज किया जा सकता है जिदा टीवी फ्रिज कार ठीक है वॉशिंग मशीन। नैक्सट सैमी ड्यूरेबल गुड्स, सैमी ड्यूरेबल गुड्स केड़ियां ने जिहड़ियां के ड्यूरेबल गुड्स तो घट टाइम चलदियां ने पर नॉन ड्यूरेबल गुड्स तो ज्यादा टाइम चलदियां जिदा क्लोथ्स ठीक है क्लोथ्स कपड़े ने वो भी काफी टाइम कई साल चल जाते हैं शूज ने पर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होंगे कि 10-15 साल कट लैन ठीक है उत्ते तो घट कटते हैं जिदा 2-3 साल 4 साल ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स होंगे ने जिड़िया कि जिन्हों की लाइफ बहुत ज्यादा घट होंगी है ठीक है इन इन डेज के ही होंगी है जो इन आवर्स के ही होंगी है ठीक है तो इन्हों जो बायचांस उस टाइम तो बाद यूज ना किया जाए तो यह डिस्ट्रॉय हो जाए खराब हो जाए जिदा मिल्क फ्रूट वैजीटेबल्स ये एग्जाम्पल्स ने। नैक्सट सर्विसिज, सर्विसिज होंदिया ने सेवावान, सर्विसिज आर आलसो सोल्ड एंड परचेज लाइक अदर गुड्स जिहड़ियां सर्विसिज ने उन्हां नूं भी इदां वेचिया जांदा ते दूसरे उत्ते वेच के उन्हां तों जो इनकम होंदी उन्हां होर गुड्स नूं खरीदिया जांदा ठीक है जिदा सर्विसिज हो गईआं डॉक्टर की सर्विस होगी लॉयर की सर्विस होगी ठीक है टीचर की सर्विस होगी ये सारिया की ने सर्विसिज दे विच आ जांदियां ने ठीक है। नैक्सट हैगा कैपीटल गुड्स, कैपीटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसिज, कैपिटल गुड नूं पूंजीगत वस्तुआं कहा जाता है पूंजीगत वस्तुआं होंदियां जिहड़ियां अगे किसी होर प्रोडक्शन उत्पादन करन दे लई यूज कीतियां जांदियां जिदा मशीनस ने एह की ने पर कैपिटल गुड्स ने क्योंकि मशीनस नूं यूज करके अगे फर्दर प्रोडक्शन कीती जांदी है ठीक है। नैक्सट कैपिटल गुड्स आर रैलेटिवली ऑफ हायर वैल्यू, इन्हों की वैल्यू भी की होंगी है बहुत ज्यादा होंगे मीनस मशीनों जो ने महंगी मिलती ने ना इन्हों की प्राइस बहुत ज्यादा होंगी है। दीज आर द फिक्सड एसेट्स ऑफ द फर्म, ये एक फर्म के लिए फिक्सड एसेट होंगे जिन्हों को बार बार नहीं चेंज किया जाए काफी लंबे समय तक लोंगर टाइम तक इन्हों यूज किया जाता है ठीक है। इस करके जो ये फीचर ने कैपिटल गुड दी की ने कि कैपिटल गुड इज ऑफ हायर वैल्यू ठीक है इन टर्म्स ऑफ मनी ते इन्हां दी लाइफ भी की हुंदी है बहुत ज्यादा लोंग हुंदी है। दीज वैल्यूज गो ऑन डिक्रीजिंग विद यूज वीयर एंड टीयर एंड ऑब्सोलेंस, ते जिवें जिवें इन्हां नूं यूज करदे जांदे आ उवें उवें इन्हां दी घसावट हुंदी जांदी है उवें उवें इन्हां दी रिपेयर करन दी लोड़ पैंदी है। लॉस ऑफ देयर वैल्यू इज नोन एज डेप्रिसिएशन, जिहड़ा इन्हां दी घसावट हुंदी है उहनूं की उहनूं इकनोमिक्स दे विच की कहा जांदा है डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट, कि उस एसेट दी उस गुड दी की हुई है डेप्रिसिएशन हुई है घसावट हुई है। डिमांड ऑफ कैपिटल गुड इज ड्राइव्ड डिमांड बिकॉज दोज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, इन्हों की जो डिमांड है कैपिटल गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा होंगी है क्योंकि इन्हों के फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है ठीक है। तो इन्हों जो ये थोड़ा काफ़ी टाइम निकल जाता तो इन्हों रिप्लेस कर बदलन की लड़ पैंती है। नैक्सट डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड की डिफरेंस ने फर्स्ट हैगा जो कंजम्पशन गुड्स ने ई ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सैटिस्फाई करती हैं और जो कैपिटल गुड्स ने जिदा मशीन ने डायरेक्टली तो नहीं करती इन्होंने द्वारा चीजा बना के बेचिया जाती है तो उन्होंने चीजा यूज करके सैटिस्फैक्शन अचीव की जाती है तो इस करके जो कंजम्पशन गुड ने डायरैक्ट सैटिस्फाई करती हैं ह्यूमन की वांट्स और कैपिटल गुड्स इनडायरैक्ट वे सैटिस्फाई करती हैं। यह हमेशा फाइनल गुड्स होंगे ने कंजम्पशन गुड्स न फाइनल गुड्स भी क्योंकि फाइनली यूज किया जाए जो कैपिटल गुड्स ने उन्हों का नेचर की होंगे इंटर क्योंकि एज अ एजेंट के रूप से यूज किए क्योंकि उन्होंने द्वारा चीजा बनाई जाए ठीक है उन्होंने वेचिया नहीं जाता। मोस्टली कंजम्पशन गुड्स आर यूज वनस ओनली, जो कंजम्पशन गुड्स होंगे ने उन्होंने ओनली वन टाइम यूज किया पर जो कैपिटल गुड्स मशीन वगैरह ने उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा बारी यूज किया जाता है। सच गुड्स डू नॉट हैव टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कैपैसिटी, कंजम्पशन गुड के नाल अगे आप प्रोडक्शन का कम नहीं कर सकते बट जो कैपिटल गुड्स ने उन्होंने आप प्रोडक्शन अगे कर सकते। नैक्सट प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड तो कैपिटल गुड्स आपस की है रिलेशन इन्हों कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड बिकॉज दे आर यूज इन द प्रोसैस ऑफ प्रोडक्शन, जिन्या भी कैपिटल गुड्स ने उन्होंने प्रोड्यूसर गुड्स आप कह सकते हैं क्योंकि सारिया कैपिटल गुड्स एज आ प्रोडक्शन करने के लिए यूज कितिया जाती है बट जो प्रोड्यूसर गुड्स ने कि उन्होंने कैपिटल गुड्स कह सकते हैं नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते क्योंकि जो कैपिटल गुड्स ने मशीना ने उन्होंने तो आप अगे फर्दर प्रोडक्शन कर ली पर जो मशीना द्वारा तैयार किया गया समान है प्रोड्यूसर गुड्स ने कैपिटल गुड्स उन्होंने अगे दोबारा प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं किया जाए क्योंकि वह तो पहला ही तैयार हो चुकी ने फाइनल गुड्स ने ठीक है। नैक्सट फाइनल गुड्स की होंगे, फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर द कंजम्पशन आफ्टर क्रॉसिंग बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, फाइनल गुड्स उन्होंने कहा जाता अंतिम वस्तुआं जिहड़ियां प्रोडक्शन बाउंड्री नूं क्रॉस करके मार्केट दे विच विकन दे लई आ गईआं, ये ना तो इंटरमीडिएट गुड्स होंदियां ने ठीक है
ਇਹ ਜਸਟ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੁੱਡਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੁੱਡਸ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡ ਨੇ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਵਾਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਗੁੱਡਸ ਵਿਚ ਆਰ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਾਏ ਦਾ ਫਰਮ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਐਕੁਆਇਰਡ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਫਰਮਸ ਫਾਰ ਇਟਸ ਔਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਫਰਦਰ ਸੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕੇ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਲੋਥ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਿਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੋਟਨ ਔਰ ਥਰੈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥਰੈਡ ਹੈ ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਕੋਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰਮ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟਨ ਜਾਂ ਥਰੈਡ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲੋਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਜ਼ ਆ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ